Hallelujah, 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 പ്രണാം മരിയ കൃപാപൂർണ പ്രഭുതരേ സാധുഹേ ധനിതു ശ്രീയോമേ ഓർധനിതരേ ഗർഭകാഫലേസു ഹേ സന്ത മരിയ പരമേശ്വര കി മാ പ്രാർത്ഥനാ കരം പാപിയോ കെ ലിയേ अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धनी तू स्त्रियों में और धनी तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धनी तू स्त्रियों में और धनी तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। मेरे पीछे बोलिए, बोलो प्रभु परमेश्वर आपका सेवक सुन रहा है। बोलो प्रभु परमेश्वर आपका सेवक सुन रहा है। बोलो प्रभु परमेश्वर आपका सेवक सुन रहा है। बैठिए। निर्गमन का ग्रंथ 23:25 से हम पढ़ते। निर्गमन का ग्रंथ 23:25 से हम पढ़ते। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल की आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियों दूर रखूंगा। हालेलुया। तुम अपने प्रभु ईश्वर की इंग्लिश में लिखा और मलयालम में भी लिखा आराधना करोगे, इधर सेवा करोगे लिखा, लेकिन वो इधर आराधना करोगे लिखा है दूसरे भाषा में। तुम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियों दूर रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसको आराधना करना, किसको सेवा करना? प्रभु, प्रभु ईश्वर को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा आराधना करने में ये हमारा परिवार का वो हमारा काम में भी आशीष मिलते। अन्न जल का मतलब हमारा काम, व्यापार, खेत और सब में ईश्वर का आशीष मिल जाते। ये एक साक्ष्य, हमारा जीवन, हम सबसे पहले ईश्वर का, पहले क्लास में मैं बोला था, सबसे पहले ईश्वर का राज और इसका धार्मिका में खोज में लगे रहो और सब कुछ यही मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। ये जब हमारा आराधना ठीक होते बाकी सब कुछ ठीक होते, हमारा आराधना जब ठीक होते बाकी सब कुछ ठीक होते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा देखो, एक आयरन बार, इसका लोहा, लोहा के बार में, लोहा में क्या करेगा, वो बिजली चलते, बिजली, बिजली इसमें रख के बिजली चला के उसको क्या होते, मैग्नेट होते। हम पढ़ा स्कूल में, फिजिक्स में पढ़ा, ठीक है ना, मैग्नेट होते, मैग्नेट को मैं हिंदी क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है।
चुपक ओके ओके हालेलुया हालेलुया। देखो ऐसा इसको बदली होते जब बिजली आते बिजली के द्वारा बदली होते उसको मैग्नेट जैसे आकर्षण करने का शक्ति मिलती। ऐसा है हमारा जीवन जब हम आराधना में बैठते हमारा आराधना ठीक होते हमारा जीवन पूरा ठीक रास्ते में चलते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमारा आराधना जब ठीक चलते हमारा प्रार्थना का जीवन सच्ची अच्छी रास्ते में चलते सब कुछ ठीक हो जाते। क्यों हमारा जीवन ठीक नहीं चलते हमारा आराधना ठीक नहीं है हमारा प्रार्थना हम ईश्वर को सबसे पहला स्थान तो नहीं दिया। हालेलुया हमारे जीवन में सबसे पहले स्थान ईश्वर का देने का जरूरत है। इसलिए बोलते हैं आराधना जब तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और आराधना करोगे और तुम्हारे अन्य जल को कि आशीर्वाद देगा और तुमसे बीमारियों दूर रखूंगा। ये दोनों अभी बाकी भी आते। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमारे आराधना ठीक करने के लिए आज प्रभु हमें बुलाते। ये डिवाइन वचन आश्रम में भी हम क्या क्या सबसे पहले क्या देखते आराधना के लिए प्रमुख स्थान दिया है प्रार्थना के लिए प्रमुख स्थान दिया है। देखो 24 घंटे दिन रात कोई ना कोई बैठ के प्रार्थना करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखो इधर एक आराधना चैपल है उधर बैठते उधर दूसरा है उधर भी है आराधना परम प्रसाद रखे हम प्रार्थना करते दिन रात। हालेलुया हालेलुया। ये आप लोगों के ऐसा पूरा समय आराधना के सामने नहीं बैठने का लेकिन सबसे पहले स्थान ईश्वर के देना शुरू करेगा पूरा ठीक हो जाएगा। ये मैं बहुत लोगों को साक्षी देखा जब उन लोग का आराधना ठीक किया वो आराधना ठीक किया सब कुछ उनका जीवन में भी ठीक होते। हालेलुया हालेलुया। प्यारी भाइयों बहनों हमारा जीवन ठीक होने के लिए हम ईश्वर का सबसे पहले स्थान देने का जरूरत है। आज से तुम सुनो आप लोग सुनो ईश्वर के सबसे पहले स्थान देके उसका आराधना शुरू करेगा। जैसा एक लोहे के लोहे में बिजली आते वो बिजली से वो मैग्नेट होते जैसा हम भी बदली हो जाएगा। मैग्नेट कैसे होते इसमें फिजिक्स में हम पढ़ा उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल भी है इसके अंदर लेकिन एक दिशा में ऐसा ठीक होते सब कुछ ठीक होते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारा जीवन भी एक रास्ता में अच्छी तरह ठीक होने का जरूरत है। जैसा चांदनी सूरज के और नहीं चांदनी पृथ्वी के चारों ओर ऐसा चलते पृथ्वी सूरज के चारों ओर ऐसे चलते रहते इसका रास्ता है चलने का रास्ता दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसा रास्ता में चलते उससे रास्ता से नहीं भाग जाते वो रास्ते में भाग जाए तो गिर जाएगा वो सूरज के आकर्षण में वो पृथ्वी भी चलते। ऐसा हम भी ईश्वर के आकर्षण में चलने वाला लोग है। हालेलुया ईश्वर के आकर्षण में चलने वाला लोग है हम जब ईश्वर के साथ रहते ईश्वर के आकर्षण में हमारा जीवन चलते सब कुछ ठीक है। इसलिए हमारा जीवन में क्या फर्क पड़ना हम ईश्वर का सबसे पहले स्थान देना उसके रास्ते में हम घूमते रहते। हालेलुया हालेलुया। जब इस रास्ता से हम निकल गए हमारे जीवन में तकलीफ शुरू किया
शुरू हो गया, जब उस रास्ता से हम भाग गए हमारे जीवन में तकलीफ शुरू हो गया है। हालेलुया। कैसे ये रास्ता में हमको रख सकते ईश्वर के साथ, हमारा जीवन में भी हम ईश्वर के साथ रहना चाहिए, ईश्वर के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग खड़े हो जस्ट हालेलुया बोलिए। हालेलुया। सोर से बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। उन जवासे हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंचे आवाज से बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। बैठिए। हमारा जीवन विजयी होने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हम ईश्वर के साथ रहना चाहिए। क्या चाहिए? ईश्वर के साथ रहना चाहिए। हम अभी बाइबल में लोगों को देखते हैं, वो ईश्वर के साथ रहते थे। ये दाऊद के बारे में लिखा है, सामुएल, फर्स्ट सामुएल 18:14। सामुएल का पहला पत्र 18:14। दाऊद अपने सब कामों में सफल होता था क्योंकि प्रभु उसके साथ था। हाँ, और एक बार पढ़ो। दाऊद अपने सब कामों में सफल होता था। हाँ, दाऊद अपने सारे काम में सफल होता था क्योंकि प्रभु उसके साथ था। प्रभु उसके साथ क्यों सफल हो गया? क्यों सफल हो गया? प्रभु उसके। हालेलुया हालेलुया। जब मैं प्रवचन करते चंगाई भी मिलते, विश्वास करो, किसी का दर्द है पीछे चंगाई करते, किसी को पीछे दर्द है चंगाई मिलते। विश्वास से सुनो वचन, चंगाई मिलते। हालेलुया। कितने लोगों को दर्द है इधर? ऐसा दर्द है। हालेलुया। यीशु का भी हालेलुया बोलो। ये दर्द को समर्पण करके हालेलुया बोलो। हालेलुया 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 हालेलुया। देखो दाऊद का विजय का कारण क्या है? ईश्वर उसके। हाँ, हमारा विजय का कारण भी क्या होते? प्रभु हमारे। हालेलुया। वो उल्पत्ति का ग्रंथ 39:2 से यूसुफ के बारे में सुनते। उल्पत्ति का ग्रंथ 39:2 से प्रभु यूसुफ का साथ देता था। प्रभु यूसुफ का साथ देता था। हाँ, यूसुफ का साथ रहता था, इसलिए उसके सब काम सफल थे। हाँ, इसके उसके सब काम सफल थे। हालेलुया। यूसुफ का सब काम सफल हो गया क्यों? ईश्वर उसके। हालेलुया। इसलिए हमको क्या चाहिए? ईश्वर हमारे साथ रहना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। या बाकी बढ़ो। वह अपने मिस्री स्वामी के घर में काम कर रहा था, जब उसके स्वामी ने देखा कि प्रभु उसका साथ देता है और प्रभु उसके सब काम सिद्ध कर देता है, तो यूसुफ उसका कृपा पात्र बना। उसने उसे अपना निजी सेवक और अपने घर एवं समस्त संपत्ति का प्रबंधक बनाया।
जब से उसने उसे अपने घर और समस्त संपत्ति का प्रबंधक बनाया, प्रभु यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर को आशीर्वाद देने लगा। यूसुफ के द्वारा मिस्री को घर को भी क्या मिला? हालेलुया। अगर हमारे साथ ईश्वर है, जहां हम जाएगा उधर भी ईश्वर का आशीष आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ होना चाहिए। ईश्वर को नहीं छोड़ देना। ईश्वर हमको नहीं छोड़ देते, लेकिन हम ईश्वर को छोड़ देते हैं। ईश्वर हमको नहीं छोड़ देते, लेकिन हम ईश्वर को छोड़ देते। कैसे छोड़ देते? पाप के कारण। यूसुफ के जीवन के बारे में देखो। यूसुफ के जीवन में देखो, प्रभु ईश्वर के इसके साथ दाब लिखा है। यूसुफ को उसके भाइयों ने धोखा दिया, बेच दिया। क्यों? यूसुफ के ऊपर उन लोगों को जलन हो गया। उसके भाइयों को यूसुफ के ऊपर जलन हो गया, क्योंकि उसका पिता यूसुफ को बहुत प्यार करते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसके भाई लोग, उसका पिता यूसुफ को बहुत प्यार करते थे। इसके कारण उन लोगों को जलन हो गया, ईर्ष्या हो गया। इसलिए वो लोग क्या सोचा, ये यूसुफ को खत्म करेगा। कदम करने की कोशिश किया, लेकिन कदम तो नहीं किया। सोचा बेचेगा इसको, बेचेगा वो उसको। इजिप्ट मिस्री देश में बेच दिया। उसे उस उधर गुलामी में रहते थे मिस्री देश में। उन लोग उसको पकड़ के ऐसा गुलामी किया, उधर गुलामी था। लेकिन यूसुफ के जीवन में क्या प्रत्येकता क्या था? क्या प्रत्येकता था? हम क्या सुना? ईश्वर, हाँ वही है, ईश्वर यूसुफ के साथ दा। हालेलुया, वही हमको चाहिए। ईश्वर हमारे साथ रहना, मेरे साथ रहो, मुझे छोड़ के नहीं जाओ। ईश्वर को मुझे छोड़ने का नहीं, कभी नहीं छोड़ना चाहिए, छोड़ने का इच्छा नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए वो पवित्रता से जीवन बिताने के लिए हर समय कोशिश किया था। पवित्रता के साथ जीवन बिताने के लिए कोशिश किया था। कोई पाप तो नहीं करने का कोशिश तो नहीं किया। प्रलोभन हो गया, लेकिन प्रलोभन में नहीं गिर गया। देखो यूसुफ, इतना तकलीफ उसको हो गया। उसका भाई लोग उसको बेच दिया, गुलामी जैसे बेच दिया। फिर भी वो उस ईश्वर ने विश्वास किया। देखो वो अभी पोतीफर का घर में है। वो पोतीफर का घर में अभी उसका काम करने के, पोतीफर का घर में भी क्या मिला? क्या मिला? आशीर्वाद मिला। देखो हम पढ़ा अभी, ये और एक बार पढ़ो। वह अंधभाग 5 से। जब से उसने उसे अपने घर और समस्त संपत्ति का प्रबंधक बनाया, प्रभु यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर को आशीर्वाद देने लगा। हाँ, किसके कारण? आप लोग यूसुफ जैसे हैं क्या? मैं बोलता हूँ, मैं यूसुफ जैसे है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ, मैं यूसुफ हूँ। जब मुझे बेचते उधर भी मेरे साथ कौन आते? हाँ, हालेलुया। हम भी यूसुफ जैसे होना, ईश्वर को नहीं छोड़ देना। हालेलुया। कुछ तकलीफ परेशानी होते, लेकिन हम ईश्वर को नहीं छोड़ देना। देखो यूसुफ उस घर में, उसको घर में पोतीफर का पत्नी को यूसुफ के ऊपर इच्छा हो गया। यूसुफ के ऊपर
इच्छा हो गया किसके लिए? शारीरिक इच्छा, शारीरिक संबंध करने के लिए, लैंगिक संबंध करने के लिए इच्छा हो गया। पोतीफर उसका बोस का पत्नी को इच्छा हो गया, वो कोशिश किया। यूसुफ अच्छा युवक, शरीर इतना अच्छा शरीर, वो ऐसा व्यक्ति था, उसको प्रलोभन हो गया ये स्त्री को, लेकिन यूसुफ वो प्रलोभन में नहीं गिर गया। वही है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रलोभन हो गया लेकिन वो प्रलोभन में नहीं गिर गया। पाप करके मेरे ईश्वर को नहीं छोड़ना, उस सोचा था मैं पाप करके मेरे ईश्वर को छोड़ के नहीं जाएगा। हालेलुया हालेलुया। ऐसे हमको भी वादा करना, पाप करके मेरे ईश्वर को दुख नहीं देना, पाप करके मेरे ईश्वर को दुख नहीं देना। व्यभिचार करने के लिए प्रलोभन हो गया लेकिन वो नहीं किया। वो स्त्री क्या बोला? झूठ बोला, भी प्लेट उल्टा किया, भी प्लेट व्यभिचार करने के लिए उसको प्रलोभन दिया, वो नहीं किया। उसका कपड़े ऐसे पकड़ के रखा, वो भाग गया, वो प्रलोभन हो गया तो भाग गया, लेकिन उसका कपड़े रखे, बोला यूसुफ मुझे बलात्संग करने के लिए कोशिश किया, ऐसा बोला, झूठ बोला। यूसुफ कहां गया? यूसुफ अभी बंदी गृह में डाला, यूसुफ को बंदी गृह में डाला, लेकिन बंदी गृह में भी यूसुफ के साथ कौन था? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बंदी गृह में भी यूसुफ के साथ ईश्वर था। इसलिए हमारे जीवन भी कितना कितना तकलीफ परेशानी होते फिर भी हमारे साथ ईश्वर होना चाहिए। हालेलुया। ईश्वर को हम नहीं छोड़ देना, ईश्वर हमें नहीं कभी नहीं छोड़ देते, लेकिन हम उसको छोड़ देते हमारे पापों के कारण। हालेलुया 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 हालेलुया। देखो यूसुफ को इसके बाद में वो बंदीगृह में था, वही भी ईश्वर उसको भविष्यवाणी दिया, ईश्वर का आत्मा उसमें रहते थे, भविष्यवाणी दिया, राजा के बारे में भी भविष्यवाणी दिया। राजा का सपना हुआ, वो सपना का मतलब क्या है उसको नहीं समझा, यूसुफ के द्वारा वो भविष्यवाणी, वो सपना का भी मतलब उसने बोल दिया। यूसुफ अभी बड़ा हो गया, हालेलुया। यूसुफ ने ईश्वर ने ऊपर उड़ाया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ईश्वर ने ऊपर उड़ाया। जब हम ईश्वर के साथ हैं, ईश्वर हमें ऊपर उड़ाते हैं। हालेलुया। हमारे सारे कामों के बारे में ईश्वर देखते, वो हमारा सहायता करते। कभी कुछ लोग हमको धोखा देते और दुरारोपण करते, छोड़ देते, झूठ बोलते, छोड़ दो। हम ईश्वर के साथ रहते हैं तो हम यूसुफ जैसे हैं, तो जहां हम हैं वहां ईश्वर हमारे साथ रहते, वही हमको चाहिए। हालेलुया हालेलुया। क्या नहीं करना? पाप करके हमारे ईश्वर को छोड़ देना नहीं, पाप करके। इसलिए पाप से नहीं बोलना आज से। हालेलुया। जो पाप हम करते वो पाप छोड़ देने का आज से वादा करना। पाप के कारण हमारा जीवन में भी तकलीफ परेशानी आया, इसलिए वो ईश्वर हमको बोलते, मेरे पुत्र मेरे पुत्री वापस आओ, मेरे पास वापस आओ। इसया का ग्रंथ 1:2 से पढ़ो, इसया का ग्रंथ 1:2 से। आकाश सुनो, पृथ्वी ध्यान दो, क्योंकि प्रभु बोला है, मैंने पुत्रों का पालन पोषण किया,
किंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। आगाज सुनो, प्रति ध्यान दो, क्योंकि प्रभु बोला, मैंने पुत्रों को पालन पोषण किया किंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया है। मेरे विरुद्ध हमारे पापों के बारे में बोलते हैं। पढ़ो, बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक की नाद जानता है, किंतु इसराइल नहीं जानता, मेरी प्रजा नहीं समझती। हाँ, मेरी प्रजा नहीं समझते, वही है ईश्वर का दुख। ईश्वर का दुख क्या है? मेरी प्रजा मेरे बात नहीं सुनते, वो दूर जाते, मुझसे छोड़ के बुरी रास्ता में जाते, पाप के रास्ता में जाते, वही ईश्वर का दुख। पढ़ो बाकी। धिक्कार इस पापी राष्ट्र को, दोष से लदे लोगों को, अपराधियों की संतति को, पथभ्रष्ट पुत्रों को। उन्होंने प्रभु का परित्याग किया, इसराइल के परम पावन ईश्वर का तिरस्कार किया और उसे पीठ दिखाई। तो धिक्कार इस पापी, हम कभी कभी क्या होता है, धिक्कार हो तो धिक्कार करने के लिए हमको क्या है, हम छोटा है ईश्वर के सामने, हम क्या है, बहुत छोटा है। इस दुनिया कितना बड़ा है, वो सबका पालन पोषण उसने करते, उसको सब कुछ मालूम है। अभी हमारा कंप्यूटर है, बड़ा कंप्यूटर, वो बड़ा कंप्यूटर से सब कुछ कंट्रोल करते हैं, लेकिन ईश्वर का कंप्यूटर सबसे बड़ा है, हर दुनिया का सारा चीज उसको मालूम है। हालेलुया, हालेलुया, उसने सब कुछ कंट्रोल करते सारे दुनिया का। हम ऐसा नहीं सोचना हमारे कुछ भी चिंता भी उससे दूर नहीं रह सकते, जो हमारे मन में जाते वही भी उसको समझते। हालेलुया, तुम्हारे आना जाना, तुम क्या करते कहाँ करते, तुम अंधेरे में क्या किया, वो सब कुछ उसको मालूम है। इसलिए मुझको पापों के बारे में नहीं बोलना, ज़्यादा तो बोलने की जरूरत नहीं है, अब खुद समझता है कैसे पाप किया। हालेलुया, जब कुछ करते ईश्वर का आत्मा अंदर बोलते ऐसा मत करो, ठीक है ना, ईश्वर का आत्मा बोलते ऐसा मत करो। जब चोरी करने की कोशिश करते ईश्वर का आत्मा बोलते ऐसा मत करो। जब पोर्नोग्राफी देखने के लिए कोशिश करते ईश्वर का आत्मा बोलते ऐसा मत करो। जब शराब पीने के लिए कोशिश करते बोलते ऐसा मत करो मेरे बेटा, कि मेरा तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब तंबाक का के कुछ लोग को उसको बंधन में है तंबाक का, ऐसा मत करो मैं तुम्हें मुक्त करेगा बोलते, लेकिन अनुसरण नहीं करते। बिना अनुसरण करेगा कैसे मुक्त हो जाएगा? हालेलुया, इसलिए बोलते धिक्कार लोग, धिक्कार इस पापी राष्ट्रों को, दोष से लदे लोगों को, अपराधियों की संतति को, पदभ्रष्ट पुत्रों को। पदभ्रष्ट, वो रास्ता छोड़ दिया, दूसरा रास्ता में गया, इसलिए पदभ्रष्ट बोलते हैं। पदभ्रष्ट पुत्रों को, उन्होंने प्रभु का परित्याग किया। ईश्वर ने हमको नहीं परित्याग किया, हमने उसको परित्याग किया। इसराइल के परम पावन ईश्वर का तिरस्कार किया और उसे पीठ दिखाई। तुम विद्रोह करते रहते हो, तुम विद्रोह करते रहते हो, क्यों करते रहते हो? मैं कितना मौका तुम्हें दिया, क्यों वापस नहीं आते? तुम विद्रोह करते रहते हो, तुम्हारे किस अंग पर और प्रहार किया जाए? पढ़ो, तुम्हारा सारा सिर घायल, तुम्हारे किस अंग,
तुम विद्रोह करते रहते हो। हाँ, तुम विद्रोह करते रहते हो। देखो किसी लोग इधर बैठा है, सुनते नहीं, विद्रोह करते रहते। तुम्हारे किस अंग पर और प्रहार किया जाए? हाँ, किस अंग पर और प्रहार? बहुत प्रहार मिला, बहुत प्रहार मिला, फिर भी नहीं सीखते। बाकी बढ़ो। तुम्हारा सारा सिर घायल है, तुम्हारा सारा सिर घायल है। तुम्हारा हृदय टूट गया है, तुम्हारा हृदय टूट गया है। सिर से पैर तक, सिर से पैर तक कोई स्थान स्वस्थ नहीं रहा, कोई स्थान स्वस्थ नहीं रहा। केवल चोट, सांट और रक्त बहते घाव। केवल चोट, सांट और रक्त बहते घाव। उनका ना तो मवाद पोछा गया, ना उन पर पट्टी बांधी गई। ना तो पट्टी बांधी गई और ना तेल लगाया गया, और ना तेल लगाया गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जब हम पाप करते हमारा जीवन में तकलीफ परेशानी आते, ईश्वर ने बोलते, मेरे बेटा मेरी बेटी वापस आओ। हालेलुया, हालेलुया। हम हमारे रास्ते में जाते सुनते ही नहीं, ईश्वर का वचन आवाज सुनने की भी नहीं कोशिश करते। इसलिए आज वो बुलाते, मेरे पास वापस आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पापों के कारण ये सब कुछ हो गया। बारूक का ग्रंथ में हम पढ़ते, इसमें बोलते, जैसे तुम मुझसे दूर गया वैसा तुम वापस आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारी भाइयों बहनों, हम ईश्वर से दूर जाने के रास्ता बहुत है, ठीक है ना? दूर जाने का रास्ता बहुत है, पाप करने का रास्ता बहुत है। पाप करने के लिए हमको बहुत आसान है, लेकिन अच्छा जीवन बिताने के लिए थोड़ा तकलीफ है। ईश्वर के साथ रहने के लिए थोड़ा तकलीफ है। प्रलोभन हो तो गिरने का आसान है, लेकिन प्रलोभन छोड़ देने के लिए कृपा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक उडाव पुत्र का कहानी है, यीशु ने बोला, उडाव पुत्र। हालेलुया, क्या सोचो, तुम उडाव पुत्र है क्या? उडाव पुत्र के बारे में हमारा यीशु ने हमें सिखाया, शायद वो उडाव पुत्र मैं और तुम, ठीक है, शायद नहीं है, मैं और तुम उडाव पुत्र जैसे है। कभी कभी पिता का प्यार छोड़ के दूर जाते हैं, पिता को प्यार छोड़ के दूर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कल में एक वचन दिया, योहन का पहले पत्र 2:15-17, योहन का पहले पत्र 2:15-17। तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार में जो शरीर की वासना, संसार में क्या है? शरीर की वासना, आँखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड। वह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है।
संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है समाप्त हो गई है किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करती है वह युगो युगो तक बना रहता है वह युग युग तक बना रहता है हाँ जो लोग ईश्वर की इच्छा पूरा करते हैं ईश्वर को प्यार करते हैं वो निरंतर जी रहेगा स्वर्ग में ईश्वर के साथ लेकिन जो लोग संसार के पीछे जाते क्या होते उधर और एक बार पढ़ो संसार और उसकी वह सब पिता से नहीं द वर्ल्ड द संसार उसके वासना संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है हाँ संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युगो युगो तक बना रहता है हालेलुया 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 ये हमको हमारे बीच में क्या है दो शक्ति हमको बुलाते ईश्वर का प्रेम और संसार के वासना ईश्वर का प्रेम और संसार के वो दोनों प्यार बोल सकते ईश्वर का प्रेम संसार का प्रेम ईश्वर का प्रेम संसार का प्रेम दोनों है हालेलुया हम सब ईश्वर का प्रेम के लिए हमें बुलाया गया है हालेलुया 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 हमको क्या चाहिए हमारा दिल ईश्वर के लिए बनाया है हमारा दिल ईश्वर के लिए बनाया है हालेलुया हालेलुया इसलिए ये दिल हम ईश्वर के लिए खोल के रखना ईश्वर के लिए हमारा दिल पूरा देना हालेलुया हालेलुया अगर ईश्वर नहीं है तो वो उधर क्या आते संसार का वासना आते इसके अंदर संसार के वासना आते हालेलुया 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 इसलिए हमारे दिल में ईश्वर का प्यार का जब नुकसान होते वो ईश्वर का प्रेम छोड़ देते संसार की इच्छा में हम संसार की इच्छा में चल जाते हालेलुया हालेलुया वही हो गया उडाव पुत्र का कहानी वही कहानी है जो ईश्वर का प्रेम छोड़ के संसार के प्रेम को देख के जाते पिता के साथ था वो पुत्र सब लोग इधर उधर नहीं देखना वो इधर उधर नहीं देखना दे में बोलते हैं ईश्वर का वजन वो शैतान वे वजन खाने के लिए पक्षियों को भेजता है वो इसलिए नहीं सुनना हालेलुया 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 देखो जब ये पुत्र पिता के साथ रहते था उसको सब कुछ था कुछ चीजों का नुकसान नहीं था उसका पिता का बहुत धन था सब कुछ था उसको उसने बेटा को प्यार भी करते थे लेकिन इस बेटा को पिता का प्यार को समझ में नहीं आया हालेलुया हालेलुया पिता के प्यार को समझ में नहीं आया इसलिए उसने क्या सोचा पिता मुझे स्वतंत्रता नहीं देते मुझे जो कुछ करना नहीं कर सकते वो पिता बहुत कंट्रोल करते इसलिए पिता से दूर जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा सोचा वही है प्रलोभन पिता का प्यार के छोड़ के दूर जाना है हमारे प्रलोभन होते वो प्रलोभन में गिर गया हालेलुया हालेलुया मैं मसाका एक मसाका जगह अफ्रीका में
एक मसाका नामक एक जगह में सेवा किया था, इधर आने के इंडिया वापस आने के पहले उधर ही था मसाका में, उधर एक रिट्रीट सेंटर का डायरेक्टर था उधर। पहले बार उस उधर जाने के पहले जाने के समय में थोड़ा रात था, रात में देखा बाहर देखा वो ऐसा लाइट डाला है, मर्क्यूरी लाइट डाला है और ड्रम भी रखा है ड्रम। मैं उन लोगों को पूछा क्यों ये ड्रम रखा है, किसके लिए ये लाइट डाला है, ये रोशनी डाला है, पूछा। हालेलुया हालेलुया। वो एक चीज है, एक प्राणी है, छोटा प्राणी, उसको पकड़ने के लिए उसको हरियाली कलर का एक घोड़ा है ना छोटा छोटा ऐसा दौड़ के, उसका नाम मुझे नहीं भूल गया, वो छोटा छोटा चीज ऐसा ये घास में दौड़ के, इसको क्या बोलते हैं, कुछ घोड़ा बोलते हैं, ग्रास हॉपर, इसके हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रास हॉपर में हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी ने मुझे नाम दिया मैं भूल गया। ओके समझ में आया, वो ऐसा ऐसा दौड़ के हरिये ग्रीन कलर का हरी कलर का है, दौड़ के वो इनको पकड़ने के लिए रखा है ये लाइट, ड्रम भी रखा है, वो लाइट देख के आते वो ड्रम में गिर जाते। हालेलुया। प्रलोभन भी ऐसा है, हमारा जीवन का प्रलोभन भी ऐसा है। हालेलुया 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 हालेलुया। ये इसके अंदर आया, ये रोशनी देख के आया, लेकिन ये ड्रम में गिर गया, उधर अभी बंधन हो गया, बंदी गृह जैसे हो गया, बाहर नहीं जा सकते, उधर से प्रार्थना करते। लैटिन मास में एक प्रार्थना है, माई ग्रेट मिस्टेक, मैं गलत किया, मैं मलत किया, मैं बहुत बड़ा गलत किया करके वो प्रार्थना करते, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ प्रार्थना करते हैं, लेकिन बाहर नहीं आ सकते। हालेलुया 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 हालेलुया। उधर से कहां जाते मालूम है, ये ड्रम से कहां जाते, ये ग्रास होपा उधर से कहां जाते, फ्राइंग पैन में जाते, फ्राइंग पैन में उसका नरक में जाते, आग में डाल के फ्राई करके लोग खाते उधर। हालेलुया। मैं भी खाया। हालेलुया हालेलुया। अच्छा है अच्छा है, लेकिन वो नरक में जाते, उसका नरक में जाते, वो रोशनी देख के आया लेकिन गिर गया, उधर बंदीगृह में हो गया, बंदीगृह से नरक में हो गया, वो फ्राइंग पैन में डाल के इसे फ्राई करके। हालेलुया हालेलुया। लेकिन हमारा जीवन ऐसा तो नहीं है, ये उड़ाव पुत्र भी ऐसा सोचा, मैं उसने दूर देखा रोशनी देखा उधर अच्छा है करके सोचा, पिता से दूर जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो कुछ मुझे करना चाहते हैं वही कर सकते हैं सोचा। हालेलुया हालेलुया। पिता से संपत्ति लिया, मेरा संपत्ति का मेरे भाग दो, वो पिता ने दिया, वो नहीं देगा तो करके कुछ लोग ऐसा गुस्सा करते झगड़ा करके बैठते, इसलिए पैसा दिया पिता ने दिया, वो पहले जाने दो, जाके क्या क्या इस संसार में देख के वापस आने दो, उसको दिया सब कुछ, उसने गया। जब उसके पास पैसा था, जब उसके साथ पैसा था, बहुत लोग आते थे, बहुत दोस्ती लोग, लड़की लोग लड़का लोग उसके साथ आते थे, नाचते गाते, पीने के लिए भी बहुत दोस्त आए थे, बोटल विस्की रम, और लड़की लोग भी आए थे उसके साथ रखने के लिए, पैसा पैसा है उसके पास,
लड़की लोग भी आते थे, पाप बहुत पाप तो किया, जब उसका पैसा पूरा खर्चा हो गया सब लोग निकल गई। ऐसा है हमारा जीवन, देखो। हालेलुया। सब दोस्तों निकल गए, उसका पैसा का पॉकेट खाली हो गया, सब लोग निकल गई। ऐसा है कुछ दोस्त है, जब हमारा साथ पैसा है आएगा, लेकिन देखो ईश्वर ऐसा नहीं है, छोड़ देता नहीं है, फिर भी आमंत्रण करते हैं, मेरे बेटा वापस आओ, मैं तुम्हारी इंतजार करता हूं। हालेलुया। पूरा उसका पिता घर में ऐसे बैठ के सोचते, मेरे बेटा दूर गया, उसका हालत कैसे है, वो कब वापस आएगा। हालेलुया। हर दिन देखते, मेरे बेटा आता है क्या, मेरे बेटा वो कहाँ गया, वो आते है क्या, पिता हर दिन देखते। हालेलुया। पिता उसका आत्मा को भेजा, पिता उसका आत्मा को उस पर भेजा, जब उसको कुछ खाना पीना को नहीं है, उसने काम ढूंढते थे, काम तो नहीं मिला, क्या काम मिला, सुवर चराने के काम मिला, सुवर चराने के काम मिला। हालेलुया। सुवर के साथ लड़ाई करते, भोजन की सुवर को जो भोजन देते वो आहार देते, वो ही भी नहीं मिलते, सुवर उसका कपड़ा भी खाया, वो कपड़ा बहुत गंदा हो गया। उस समय उसका दिल मन में पवित्र आत्मा का काम शुरू किया, वो पिता का आत्मा उसमें अभी स्पर्श किया, पिता का आत्मा उसके अंदर बोला, मेरे बेटा तुम ऐसा जीने वाला आदमी नहीं है, ऐसा गंदा जीवन नहीं करने वाला आदमी नहीं है, तुम मेरा बेटा है ना, शराब पी के व्यभिचार करके ऐसा पाप करके करके सुवर के साथ। सुवर यहूदी लोगों को इतना बुरा जानवर है, सुवर हराम है, हराम मुस्लिम लोग बोलते हैं, कहने हराम, यहूदी लोगों को भी हराम है, ये हराम ही काम करते, दूसरा काम तो नहीं मिला। हालेलुया। लेकिन जब हम पाप करते शैतान हमारे अंदर काम करते, तुम ऐसा करो शैतान बोलते, ऐसा करने के बाद शैतान बोलते, तुम बुरा आदमी है, ईश्वर तुम्हें छोड़ के गया है। ऐसा बोलने में हम क्या सोचते हैं, मुझे मेरा जीवन पूरा खत्म हो गया, अभी मेरे लिए दूसरा आशा तो नहीं बाकी है करके सोचते, ऐसा ही शैतान बोलते। कुछ लोग सोचते आगे जाने का रास्ता तो नहीं है, सब कुछ हो गया, ऐसा शैतान बोलने के समय ईश्वर के आत्मा बोलते, मेरे बेटा वापस आओ, तुम्हारा जीवन मैं अभी ठीक करूंगा, वही है ईश्वर बोलते। हालेलुया। आओ इधर थोड़ा, नहीं पीछे वाला थोड़ा नाटक करना चाहिए हैं? आप लोगों के दिक्कत है, ओ दूसरा अविनाश को बोले, ओ दिक्कत है। हालेलुया। तुम आओ, ये
नहीं ये उसका नाम क्या है, आओ आओ, वो तुम अच्छा आदमी है उसके लिए आओ, मैं बोलेगा क्या करना हा? अभी उड़ाऊ पुत्र का काम करने के लिए बुलाते हैं। ओके हालेलुया, ये ही उड़ाऊ पुत्र है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ये उड़ाऊ पुत्र ईश्वर के छोड़ के अभी ये पिता के साथ था लेकिन पिता को छोड़ के दूर गया। सोचा पिता को छोड़ के जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा करके सोच के वो पिता का पैसा मांगते, वो पिता का पैसा मांगते, वो पिता ने उसको गोल्ड दिया, गोल्ड सोना हा? उसका सोना दिया, हाँ तुम जाओ, वो उसको बाग के लिए झगड़ा किया इसलिए उसको वो सोना दिया, सोना बहुत खुश हो गया, दूर गया, हाँ पिता से दूर गया, जाओ जाओ। वो सोचा ये पैसा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, आनंद मना सकते, खुशी मना सकते करके सोच के गया। उसको उधर जाने में बहुत दोस्त लोग, वो दोस्त लोग कुछ आना उसके साथ, जाओ जाओ उसके साथ थोड़ा कुछ दोस्त लोग आया, वो उसके चोरी किया, सब कुछ चोरी किया, उसका सोना सब कुछ चोरी किया, हाँ सब कुछ खर्चा हो गया, अभी पैसा तो नहीं है, सब कुछ हो गया, शराब पी के और आनंद ऐसा कुछ ही मना के थोड़ा कुछ लड़कियों के साथ ऐसा कुछ हो गया, वो सब कुछ पैसा खर्चा हो गया, अभी नीचे गिर गया वो नीचे, थोड़ा ऐसा करो नीचे नीचे बैठो, सुअर जैसे सुअर के साथ लड़ाई करते, हाँ लड़ाई करते, भोजन भी नहीं मिलते, देखो भोजन भी नहीं मिलती। उस समय उसने सोचा मैं इधर भूख से मरता हूं लेकिन मेरे पिता के पास कितना लोग काम करते उसका अच्छा भोजन मिलते, मैं इधर भूख से मरता हूं, अभी मैं उड़ूंगा, मेरे पिता के पास जाऊंगा, मैं उड़ूंगा मेरे पिता के पास जाऊंगा और बोलेगा मैं आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। वो धीरे से उड़ो, वो पिता देखते ही मेरे बेटा आते हैं क्या, धीरे से आओ उधर उड़ के, धीरे से आओ, थोड़ा शंका है उसके मन में, धीरे से आओ आओ आओ, नहीं उसने क्या बेटा आते ऐसा, लेकिन पिता देखते हो मेरा बेटा आते, देखो मेरे बेटा छोड़ के गया था अभी वापस आया, उसको घायल भी हो गया, हाथ भी टूट गया, देखो अब पाप के मार्ग में जाके हाथ भी टूट गया, अभी मेरे बेटा उसका हालत भी खराब है, लेकिन मुझे अभी खुश है मेरे बेटा वापस आया, अभी इसलिए मर गया था अभी जिंदा है, हमको खुशी मनाना, आनंद मनाना, ये दिन अच्छा दिन है, मेरे बेटा वापस आया, सबको हमको आनंद मनाना, अच्छा कपड़ा लाओ, अंगूठी ये नहीं अंगूठी पहन के उसको वापस मिल गया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आज से मेरे बेटा अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, हालेलुया, सब कुछ छोड़ के ईश्वर के लिए जीवन करेगा, जीवन करेगा, हाँ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसको एक चुंबन भी पिता ने चुंबन दिया, हमारा पिता को जाओ,
हमारा पिता को कितना खुश हो जाएगा जब हम वापस आते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा पिता को कितना खुश हो जाएगा जब हमारे हमारे हम वापस आते, हमारे पाप जो जो पाप छोड़ के, हमको मालूम है क्या क्या पाप हम करते। हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। हालेलुया। कुरिंदियों का पहले पत्र 3:16, कुरिंदियों का पहले पत्र 3:16, क्या आप यह नहीं जानते, क्या आप यही नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं, कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा, ओ ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है, आप में निवास करता है। हालेलुया। बाकी पढ़ो। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा, यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा, ईश्वर उसका नष्ट करेगा। कैसे हम ईश्वर का मंदिर को नष्ट करते हैं? ये हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, कैसे हम नष्ट करते? पाप, पाप करके हमारा शरीर को नष्ट करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। कैसे कैसे नष्ट करते हमारा शरीर को? कौन सा पाप से? शराब पीने में, शराब का बोतल में क्या लिखा है, क्या लिखा है? शराब पीना, हाँ नहीं सुनते, शराब पीना, वो एक व्यक्ति बोलो, हाँ शरीर के लिए हानिकार है। जब हम शराब पीते हैं क्या होते हैं? शरीर को हानि करते, शरीर को नष्ट करते। देखो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या वचन बोलते हैं? जो इस शरीर को नष्ट करते मैं उसको भी नष्ट, हमारा जीवन भी नष्ट होते ये पाप के कारण। इसलिए शराब मत बनाओ, मत बेचो, मत पियो। ओके, हालेलुया। इससे परिवार को भी तकलीफ होते, हमारा जीवन को भी तकलीफ होते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो तंबाक, वो जो कुछ, ये कुरिंथियों का पहले पत्र 6:12, कुरिंथियों का पहले पत्र 6:12, मुझे सब कुछ करने की अनुमति है किंतु सब कुछ हितकर नहीं। हाँ, मुझे सब कुछ करने की अनुमति है किंतु सब कुछ हितकर नहीं। ये सब कुछ हितकर नहीं, मुझे सब कुछ करने की अनुमति है, मुझे सब कुछ करने की अनुमति है किंतु मैं किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनूंगा। हाँ, किंतु मैं किसी भी चीज का गुलाम नहीं बनूंगा। हालेलुया। मैं किसी भी चीज का गुलाम नहीं होना। लेकिन बहुत लोग इधर गुलाम है। एक शिविर में एक व्यक्ति आया था, उसको नशा छोड़ दिया, नशा तंबाक। वो हम पकड़ के रखा था, इस बार में मुझे नहीं पकड़ सके, वो सोचा बोला पकड़ के रखा था। 2 दिन के बाद उसके सुबह में ऐसा ऐसा होता है, फिट्स होता है, फिट्स गिर के ऐसा करते। क्यों? वो इसका गुलाम हो गया बिना इसमें। लेकिन उस लोग छुटकारा देते प्रभु, क्या देते? इधर से बहुत लोगों को छुटकारा मिला है, वो नशा से, तंबाक से, खर्रा से, शराब से भी छुटकारा मिल गई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। योहन का 8:34, जो पाप करते हैं वो पाप का दास है, जो पाप करते हैं वो पाप का दास है। 8:36, अगर
यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम स्वतंत्र हो जाएगा। अगर यीशु तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम, हालेलुया, सचमुच।